चलिए पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स में युग्मक जनन। तीन नंबर होगा टेरिडो टेरिडोफाइट्स में युग्मक जनन। टेरिडो फाइट टेरिडो फाइट्स में युग्मक जनन, इसका इंग्लिश हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस इन टेरिडोफाइट्स। गैमेटोजेनेसिस इन टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइटा के युग्मकोद भेद पर टेरिडोफाइटा के युग्मक युग्मक कोद भेद यानी कि गैमेटो फाइट पर नर जननांग नर जननांग पुंगधानिया एंथ्रीडियम, इसको कहते हैं इंग्लिश में एंथ्रीडियम। तथा मादा जननांग तथा मादा जननांग स्त्री धानिया पर पाए जाते हैं। पुंगधानी में पुंगमड़ो बनते हैं। द्विकसाभिक या बहुकसाभिक होते हैं, तसाविक होते हैं। मादा युग्मक को अंड युग्मक कहते हैं।
थोड़ा सा हमको इसमें ध्यान देना होगा। टेरिडोफाइट्स में युग्मक जनन यानी कि टेरिडोफाइट शैवाल होते हैं जिनमें जड़ और तना पत्ती सुचारू रूप से मिलते हैं जिसे हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं, और ब्रायोफाइट जिसमें जड़ तना पत्ती को विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें मैं बता दूं आपको कि टेरिडोफाइट्स के युग्मकों भित्त पर नर जननांग कमापुंग धानिया तथा मादा जननांग स्त्री धानिया पर पाए जाते हैं। यहाँ हम समझेंगे टेरिडोफाइट्स के युग्मकों भित्त यानी कि गैमेटोफाइट, यहाँ पर बता रहा है गैमेटोफाइट्स पर इसको कहते हैं गैमेटोफाइट्स यानी कि कहते हैं इसको मादा सॉरी इसको कहते हैं नर जननांग। गैमेटोफाइट मादा जननांग भी कहेंगे इसको, इसको हम मादा जननांग भी कहेंगे और नर जननांग भी कहेंगे, पर ना पर मादा गैमेट जिसमें बनते हैं उसको स्त्री धानी कहते हैं, स्त्री धानी कहते हैं, और जो नर गैमेट जिसमें बनते हैं उसको हम पुंग धानी कहते हैं। तो पुंग धानी में पुंगमड़ू बनता है, पुंग धानी में पुंगमड़ू बनता है, पुंगमड़ू बनता है, पुंगमड़ू को हम नर युग्मक कहते हैं तथा स्त्री धानी में मादा युग्मक बनते हैं, स्त्री धानी में मादा युग्मक बनते हैं। मादा युग्मक को अंड युग्मक कहते हैं। एक बात और है कि नर युग्मक कभी भी चल होता है। चल का मतलब कि इसमें कसाभिका पाया जाता है। कसाभिका पाया जाता है, एक भी पाया जा सकता है, एक से अधिक भी पाया जा सकता है, और इसमें कसाभिका नहीं पाया जाता है। अंडीगोक में कसाभिका नहीं पाया जाता है, अर्थात अर्थात ये युग्मक अचल होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं टेरिडोफाइट्स के युग्मक जनन में टेरिडोफाइटा के युग्मकोद्भिद अर्थात गैमेटोफाइट, जहाँ गैमेटोफाइट को आप कह सकते हैं, इसको जनद कह सकते हैं, आप जन जनद कह सकते हैं, जनद का मतलब कि गोनेड गोनेड, और इस गोनेड का नाम होगा नर गोनेड का नाम होगा पुंगधानी, और मादा जनत का नाम होगा स्त्री धानी। ये अंडा का निर्माण करेगा और ये पुंग पुंगमड़ु का निर्माण करेगा। पुंगमड़ु क्या है? नर युग्मक है और ये मादा
युग्मक है। नरयुग्मक चल होता है क्योंकि कसाभिक उपस्थित होता है, ये अचल होता है क्योंकि इसमें कसाभिक नहीं पाया जाता है। इसमें कसाभिक नहीं पाया जाता है, इसमें कसाभिक पाया जाता है। तो एक से अधिक भी कसाभिक पाए जा सकते हैं इसमें, और इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स में इस प्रकार के युग्मक जनन होता है। धन्यवाद।